Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. Hey guys, so aap dekh rahe hain Antio gamer. I hope aap acche honge. To chaliye baat karte hain Livik map mein is baar sabse zyada glitch and tips laya hu. To sabse pehle aap dekhiye yahan par iceberg aa jana, theek hai. आइसबर्ग आने के बाद यहाँ पर आपको जो ये लोकेशन दिख रहा है, इस जगह पर आप पंच एंड जंप को एक साथ प्रेस करना है, ठीक है। इस जगह पर भी प्रेस कर सकते हो, लेकिन बेहतरीन होगा कि मैं इसके साइड में जहाँ पर मैं करने वाला हूँ, आप वहाँ पर ये पंच एंड जंप को एक साथ प्रेस करोगे तो बहुत जल्दी इसके अंदर अंडरग्राउंड चले जाओगे, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद आप चाहे तो बंदे को किल नॉक कर सकते हो, ग्रेनेड थ्रो कर सकते हो, वही व्हीकल, कोई भी व्हीकल आप उसको ब्लास्ट कर सकते हो। डायरेक्ट किल नहीं कर सकोगे, और यहाँ पर चाहे तो आप छिप भी सकते हो, तो बहुत अच्छे से आप मतलब यहाँ से स्कोर भी वाइप कर सकते हो। और यहाँ से आपको निकलना होगा तो देखिए ग्रेनेड भी कुक करके मैं दिखा देता हूँ, कितना आराम से ग्रेनेड कुक कर सकते हो, इसके जरिए एनिमी किल कर सकते हो। और निकलना होगा तो देखिए आप ये साइड, इसके पीछे साइड में मत निकलिएगा, मैं चाहूँगा आप ये साइड से होते हुए बस इस तरह से आप खड़े होकर जाइए या क्राउच होकर, आप बहुत आराम से यहाँ बाहर निकल जाओगे। चलिए बढ़ते सेकंड टिप्स की ओर। तो सेकंड टिप्स के लिए आपको ब्लम्स्टर पर यहाँ पर देख रहे हैं मैप में इस जगह पर आना होगा, ठीक है। ये जो चट्टान देख रहे हैं आपको यहाँ पर आ जाना, ठीक है। यहाँ आने के बाद यहाँ पर एकदम सेम एग्जैक्ट पोजीशन पर आ जाना, और थोड़ा सा स्प्रिंट कर आपको जंप कर देना, ठीक है। जैसे आप स्प्रिंट जंप करोगे तो देखिए आप इसके अंदर एकदम अंदर अंडरग्राउंड हो जाओगे। ये ट्रिक थोड़ा हार्ड है, मतलब कि इसको थोड़ा बहुत ही मुश्किल हो सकता है करने के लिए, लेकिन मैं इसको बताना था तो मैं आपको बता दिया हूँ। लेकिन आप, मैं जाहिर करूँगा कि आप ना ही करें तो बेहतर है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद आपके देखिए अगर किसी बंदे को किल करना था, आप यहाँ देख सकते हैं गन का जो नली है उसको आपको बाहर निकलना है, तो आप बंदे को किल भी कर सकते हो, और बाहर निकलना बहुत ही आसान है। चलिए बढ़ते थर्ड टिप्स के लिए। थर्ड टिप्स के लिए आपको सबसे पहले आप मिड स्टैंड देख रहे हैं, आपको यहाँ पर आना होगा, और ये जो आप वो चट्टान जैसा दिख रहे हैं, मतलब ये यहाँ पर बहुत 95% बंदे यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप पर नहीं चढ़ पाते। तो चलिए मैं आपको एक टिप्स बता देता हूँ कि आपको सबसे ऊपर टॉप पर किस टाइप से चढ़ना है, ठीक है। तो जैसे जिस जगह पर मैं यहाँ पर आया हूँ, आपको यहाँ पर से आ जाना, जंप करते हुए राइट की ओर थोड़ा सा मूव करके उसके बाद क्लिम कर जाओगे, ठीक है। राइट की ओर जैसे मूव करोगे तो थोड़ा सा क्लिम करना, उसके बाद आप यहाँ पर बहुत आराम तरीके से चप इसके ऊपर चढ़ पाओगे, ठीक। चलिए बढ़ते फोर्थ टिप्स के लिए। आपको देखिए ग्रुनहस आपको यहाँ पर आना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद आपको ये जो चट्टान जैसे यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे प्रोन हो जाना, ठीक है। तो प्रोन होकर आपको एडजस्ट करना होगा, ठीक है। एडजस्ट करोगे देखिए यहाँ पूरे के पूरे आपका हाइट हो जाएगा, अगर बैग आपके पास नहीं रहता है तो ये पूरे के पूरे लोकेशन में हाइट हो जाएगा। दोस्तों मैं यही बताना चाहूँगा, ऐसे ऐसे मैं टिप्स ग्लिच लाते रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, नहीं आए तो डिसलाइक करिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट श्योर कर दें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब श्योर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसी जगह इसी मैप में आपको रोड मतलब रोड के उस पार अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, और यहाँ पर भी आपको ये जो चट्टान जैसा दिख रहा है यहाँ पर भी आपको प्रोन हो जाना, तो यहाँ पर भी आप एडजस्ट करोगे तो यहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से आप हाइड हो जाएगा। तो ये टिप्स आपके लिए बहुत ही काम आने वाले। तो दोस्तों ऐसे ऐसे वीडियो में टिप्स लाते रहता हूँ, इसके लिए चैनल पर जाइएगा, चैनल को चेकआउट करिए, और बहुत सारे ऐसे वीडियो में बहुत बड़े बड़े वीडियो लाया हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल कॉल का प्रेस जोर दबा दिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टाटा बाय।